और हम लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ बैरियर गांव। दिस इज कॉल्ड मनी पॉइंट। ठंडी लगी आपको बहुत। और यहाँ हम आ चुके हैं कार्निवल। हेलो एवरीवन, कराची पाकिस्तान का लास्ट डे गुजारा हमने बैरियर टाउन में। एक्सप्लोर किया मरी पॉइंट, आईफल टावर, कार्निवल, एंजॉय किए मजे मजे के खाने। कैसा रहा हमारा ये दिन, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। दिस इज योर होस्ट सलीमा रतानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूं साथ जिनकी सीट नंबर 12 से लेकर 37 तक है, उनसे भी गुजारिश किया है गेट नंबर 27 से जहां पर तशरीफ लेना है। Assalamualaikum everyone, I hope सब खैरियत से खुशहाल होंगे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच भी रही है कि नहीं, बिकॉज मेरी आवाज़ आई गई फिर आई फिर चली गई दोबारा। तो खैर, आज है संडे का दिन और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ बैरियर टाउन। मैं पहले वहाँ जा चुकी हूँ मगर मेरे कुछ काजल्स आए हैं, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा है बैरियर टाउन। तो सोचे चलते हैं दिखाते हैं वहाँ का कार्निवल, जो मैं यहाँ से गई थी तो नहीं बना था, अब बन चुका है। तो जाते हैं देखते हैं क्या नई चीज़ें बनी हैं, क्या पुरानी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। आई एम श्योर मज़ा आएगा। तो बस हम रेडी वगैरह हो चुके हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। हेलो और यहाँ हम फाइनली निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारे घर से बैरियर टाउन का जो रास्ता है वो है तकरीबन 1 घंटे का। तो चले आज हम आपको सैर कराते हैं कराची की सबसे दिलचस्प जगह की। वेलकम टू बैरियर टाउन कराची। Cosas necesitas para ver que te di todo sin saber. और यहाँ हम बैरियर टाउन में एंटर हो चुके हैं और हम पहुँचे हैं ग्रैंड मॉस्क बैरियर टाउन। कहा जाता है कि दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। आप जरूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। चलें आपको यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे लेके चलते हैं। यहाँ हम एंटर हो चुके हैं बैरियर टाउन में और इस वक्त हम लोग हैं मरी पॉइंट पर और इट्स रियली नाइस, सो ब्यूटीफुल। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और इस वक्त जिस वेदर में हम लोग आए हैं, वैसे तो कराची में कोई ठंड ठंड होती नहीं है, नाम की भी नहीं होती। इतना सब कुछ हमने इस पर पहन रखा है क्योंकि गले खराब है, तबीयत खराब है, ठंड आती नहीं है यहाँ पर, वायरल पहले आता है। तो बस मगर जगह बहुत अमेजिंग है, मैं आपको आगे जाके पूरा लुक दिखाती हूँ। This looks amazing. बहुत ही शानदार लुक आ रहा है यहाँ से। अच्छा, वीडियो में इतना मज़े का शायद नहीं आ रहा और ये हमारी फैमिली बिजी है फोटोशूट में। जस्ट लुक एट द व्यू, बहुत ही अमेजिंग है और बिकॉज ऑफ वेदर ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज कॉल्ड मरी पॉइंट बैरियर टाउन में, कराची बैरियर टाउन के अंदर मरी पॉइंट बना है। क्या बात है, कुछ भी हो सकता है। हाँ करो भाई, कराची के अंदर मरी पॉइंट बना दिया, कमाल नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा कुछ भी कर सकता है। हेलो, कम 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 फास्ट। ठंड में गर्म कॉफी का कॉम्बिनेशन सदियों से चलता आ रहा है और वही एंजॉय करने आए हैं हम हिल टॉप रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ। ले आए ले आए भाई और ले आए। ठंडी लगी आपको बहुत। ये मेरे बड़े पाए हैं पप्पा, मजा आ रहा है ठंड में। माशाल्लाह माशाल्लाह, सर्दी में चाय मिल जाए, चाय मिल गई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा बस चाचा व्लॉग बनाने के पैसे मांगते, बिजनेसमैन है ना तो हर चीज में बिजनेस। $50 कौन सा, यूएस या ऑस्ट्रेलियन? आप ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया वाले डेडिकेशन देखिए फोटोग्राफी की। भाभी ऊपर चढ़ गए हैं फोटो फोटो लेने की, आप डेडिकेशन देखिए। थोड़ा और मौका मिले हम टेबल पे भी चढ़ जाएंगे मगर हमारा फोटो शूट परफेक्ट होना चाहिए। हेलो पापा, हेलो
हेलो। और अब हम यहाँ से फारिग होके जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है, और वो है आईफिल टावर। क्या बात है। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं आईफिल टावर के टिकट काउंटर पर, और यहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 200 पर हेड, और अगर आपको आईफिल टावर पर जाना है तो उसकी टिकट है 1000 पर हेड। चले चल के अंदर देखते हैं कैसा है हमारा आईफिल टावर। थैंक यू। My God, this one is looking really amazing. It's beautiful. और यहाँ हम लग चुके हैं लाइन में, चलते हैं ऊपर जाने के लिए। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड। आ जाओ अंदर काफी वार्म है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा एक्साइटेड हम नीचे थे, ऊपर आके थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं, बिकॉज ये काफ़ी कंजेस्टेड है और रात में यहाँ पे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो आई प्रेफर अगर आप आ रहे हैं तो शाम के या दिन के टाइम पे आए, क्योंकि अगर रात में आप आ रहे हैं तो इट्स बेटर टू सेव मनी एंड अवॉइड कमिंग अप। इतनी पब्लिक आई हुई है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं फाउंटेन शो देखने। इसके टाइमिंग्स हैं 7:30 to 9:30। अभी ये यहाँ पर स्टार्ट होगा। तेन आज हुई और यहाँ हम आ चुके हैं कार्निवल। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, आउटलेट्स हैं। अंदर जाते हैं, डिनर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। हमारी आधी फैमिली यहाँ बैठी है और बाकी आधी यहाँ बैठी है। और यहाँ हम आए हैं रेस्टोरेंट, इसका नाम है कफीला। एम्बियंस वाइज वाज रीजनेबली ओके, बट यहाँ का फूड और सर्विस वो रियली नाइस। हमने यहाँ ऑर्डर किया था कोन सूप, फास्ट फूड, कढ़ाई जो हमेशा ऑर्डर करते हैं, सम बारबेक्यू और करारी भिंडी, जो पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, मेरे साथ औरों को भी। चले लोगों के रिव्यूज लेते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। भाइयों खाना कैसा है? हाँ बोल बहन, जबरदस्त। सुभान अल्लाह, ऐसा अलग अलग है ना। चाचा आप सच बताओ, सबसे मुझे सबसे अच्छी भिंडी लगी। भिंडी आपने खाई? भिंडी सबसे बेस्ट थी। हाउ वाज द फूड? है ना नाइस। हेलो एवरीवन, और यहाँ हम लोग घर पर आ चुके हैं। थ्रू आउट मेरा एक्सपीरियंस बैरिया टाउन का बहुत अच्छा रहा, और पूरा दिन भी हमारा बहुत अच्छा गया। पूरी फैमिली के साथ फुल फैमिली टाइम इन्जॉय किया। और जहाँ तक बात करें फूड की, जब लास्ट रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट दिखने में तो बस ओके, बट फूड वहाँ का वाकई बहुत अच्छा था, स्पेशली वेज। वैसे ही मुझे नॉन वेज से ज़्यादा वेज पसंद है, सो या काफ़ी अच्छा। और ये है दूसरा दिन, और कल रात को रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो नहीं पाई तो मैं कंप्लीट कर नहीं पाई। कल का दिन वाकई ही बहुत अमेजिंग था। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर सऊदी अरब। से 27 से
हेलो एवरीवन, और यहाँ पर मैं चेकिंग कर चुकी हूँ एयरपोर्ट में, वेटिंग लाउंज में हूँ। मैं अपने टाइम से बहुत पहले आ चुकी थी, इसलिए आई वाज द फर्स्ट वन जिसने चेकिंग किया। सो बस वेट कर रहे हैं। थ्रू आउट पाकिस्तान का ट्रिप बहुत अमेजिंग रहा, वेडिंग में बहुत इन्जॉय किया, फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। सो यार इट वाज रियली अमेजिंग। ऑफकोर्स जाके घर जाके मिस ज़रूर करेंगे, बट यार घर तो जाना है। और सच बताऊँ तो घर जाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि काफ़ी टाइम हो चुका है, इट्स बीन 3 वीक्स नाउ। सो घर जाते हैं बैक टू रूटीन और बस देखते हैं यहाँ भी और कितना टाइम लगता है, कैसा हमारा ट्रैवल जाता है। सो स्टे ट्यून्ड। ¿Cuántas cosas necesitas para ver? फाइनली 3 घंटे की वेटिंग के बाद हम फ्लाइट में आ चुके हैं और फ्लाइट काफ़ी खाली चल रही है। आई रियली इन्जॉय जब फ्लाइट खाली होती है, इन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है, सुकून से जाते हैं। Finally with Baba। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से जैसे गए थे वैसे ही रियाद पहुँच चुके हैं। और बस यहीं पे अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।